जय बद्री विशाल। मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही, या तो वो बेशरम है या तो उनमें है या नहीं है, मैटर ऑफ चॉइस है। कभी कहते हैं कंपल्सरी बोल रही हो, हम इधर से कोई जवाब दूंगा तो बुरा मान जाओ। हिजाब की तमीज सिखा दी, पर कब बोलना है कब नहीं बोलना ये नहीं सिखा। अरे हिसाब तुम्हारा होगा पर वक्त तुम्हारा नहीं होगा। जाए स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज की वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे रिजवान अहमद ने हिजाब को लेकर साइदा फलक की जमकर क्लास ली है, देखकर आपको जरूर मजा आएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, धन्यवाद। देखिए ये लोगों का ये मतलब है, ये लोग खुद ही मुस्लिम लड़कियों का के बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने मान लिया 50% मुस्लिम लड़की हिजाब पहन रही है, 50% नहीं पहन रही है, कि भैया बाल ना दिखें। अब इनकी बात बाल पर आ गई, पहले शक्ल पर थी अब बाल पर आ गई। ठीक है, तो यानी इनके कहने का मतलब यह है कि जो मुसलमान लड़कियां, हिंदू की छोड़ो, जो मुसलमान लड़कियां हिजाब नहीं पहन रही, या तो वो बेशरम है या तो उनमें हया नहीं है या उनके घर वालों को इस्लाम की तमीज नहीं है। मैं हिंदू लड़की की तो बात ही नहीं कर रहा। तो ये क्या इतने बड़े इस्लामी हो गए, मौलाना हो गए, क्या हो गए ये, जो ये टीवी पर बैठ के तय करेंगे? कभी ये कहते हैं मैटर ऑफ चॉइस है, कभी कहते हैं कंपलसरी है। अगर कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है तो पहले सारी मुसलमान औरतों को हिजाब तो पहनाओ, सारी मुसलमान औरतों को पहले हिजाब पहनाओ, अपनी जिंदगी में पहनाओ। आप तुम फिर बीच में बोल रही हो, अब मैं इधर से कोई जवाब दूंगा तो बुरा मान जाओगी। तुम्हें तमीजी नहीं है, तुम्हें तमीजी नहीं सिखाई तुम्हारे घर वालों ने। अरे तमीज सीखो, तमीज सीखो। रिजवान मेरा नाम है। अरे फलक बाजी, रिजवान मेरा नाम है, बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, तमीज सीखो। जब तक ये, तब तक वो मुसलमानों के खिलाफ। अरे तमीज सीखो ना, अरे बाजी तमीज सीखो, अरे बाजी तमीज सीखो, मैं बोल रहा हूँ ना मुसलमानों के खिलाफ इस्लाम। अरे जब तुम बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? अरे जब तुम बोल रही थी मैं बोल रहा था क्या बाजी? मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। अरे जो तुम बोल रही थी तो मैं बोल रहा था क्या? अरे जब तुम बोल रही थी मैं बोल रहा था क्या बाजी? ये बताओ, तुम्हारे घर वालों ने हिजाब की तमीज सिखा दी, पर कब बोलना है कब नहीं बोलना ये नहीं सिखाया? सबसे पहले ये सिखाना चाहिए था तुम्हारे घर वालों को, जो मेरे घर वालों ने सिखाया कि अगर फलक बोल रही है तो रिजवान बीच में नहीं बोलेगा। करूंगी, मुझे बताए, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। ठीक ठीक, अरे हिसाब तुम्हारा होगा पर वक्त तुम्हारा नहीं होगा। जाहिल हो, इसीलिए जाहिल कहलाते हो तुम लोग। पता नहीं है कब बोलना है क्या बोलना है। घर वालों ने हिजाब पहनना तो सिखा दिया, ये नहीं सिखाया। जब दूसरा आदमी बात करे तो बीच में नहीं बोलते। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया कि औरतों की इज्जत करो, तुम्हें औरतों की इज्जत करना आता है, बदतमीजी करते हो। अमीश भाई, अरे इसको चुप कराओ, शर्म आदमी। अरे इसको चुप कराओ भाई, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सिखाया। ये पर्सनल क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम पर्सनल हो, मुझे पर्सनल होना पड़ रहा है। अच्छा, मेरा निवेदन स्वीकार करें, मेरा निवेदन स्वीकार करें। एक सेकंड, अरे चुप कराओ, एक सेकंड। देखिए कौन सी तमीज सिखाई है,